दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि पीड़िता की मां ने देवड़ा थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया था कि 10 अक्टूबर 2020 को उसकी नाबालिग बेटी से आरोपी रमेश ने दुष्कर्म किया। वहीं इसके बाद आरोपी रमेश मौके से फरार हो गया, जिस पर नाबालिग अब उसकी माँ देवड़ा थाने पहुंची और थाने में रमेश के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी रमेश को गिरफ्तार किया। पीड़िता की मां ने पुलिस थाना दोबड़ा में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी गेहूँ पिसाने के लिए आटा चक्की पर गई थी, जहां से वापस लौट रही थी। रास्ते में अभियुक्त रमेश ने उसे पकड़ा और जबरन बबुल के खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया और वहां से भाग गया। उक्त घटना पीड़िता ने अपनी माँ को घर पर बताई। पुलिस ने चालान पेश किया। उक्त मामले में विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने पीड़िता व मुलजिम दोनों को सुना। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना है। अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास व 50,000